अलावा जो जैन धर्म में सूर्य ढलने के बाद खाना नहीं खाते, इसका कारण मुसलमानों में जब रोजा करते हैं तो सूर्य निकलने से पहले ही खाना खा लेते हैं और डट के खाते हैं। बताओ कहां की यादगार है? बाबा कितना भी कहे मन मना भव पवित्र बनो योगी बनो, लेकिन वो भोग भोगने से चूकेंगे? चूकेंगे नहीं। माया कितना भी कहे माया का युद्ध है, तुम युद्ध के मैदान में खड़े हो, लेकिन मुसलमान लोग तो जब युद्ध में जाते हैं तो साथ में अपनी हरम भी ले जाते हैं, युद्ध भी करते रहते हैं, शराब भी पीते रहते हैं और लड़ाई भी लड़ते रहते हैं। और जैन धर्म तो मुसलमान धर्म के जस्ट उल्टा है, या मुसलमानों के मुआफिक है, तो इसलिए उल्टी उल्टी बातें हैं। सूर्य जब अस्त हो जाता है तो उससे पहले भोजन करते हैं, सूर्यास्त होने के बाद भोजन करना बंद। जैन धर्म कोई अलग से धर्म नहीं है, जित शब्द से बनता है जिन। तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो जिन मिसल, माउंट आबू में दोनों ही यादगारें हो गई हैं, सनसेट पॉइंट भी है, सूर्यास्त की भी यादगार है, और अभी सूर्योदय की भी यादगार है। तो जैन धर्म की जो आत्माएं हैं वो सूर्य अस्त होने से पहले ही जो भोग भोगने हैं सो भोग लेते हैं, और अगर कोई कुमार है शादी करके फिर बाद में क्लास अटेंड करता है, कुमार का है ने पहले कुमार था फिर शादी करता है फिर क्लास अटेंड करता है रेगुलर, यानी दो दिन रेगुलर आता है और साइन करता है, वो साइन करने का है, उसको क्लास में बैठने का अलाउ तो नहीं है ना? कुमार शादी करते हैं तो अलाउ उनको तब किया जाता है जब दोनों मिलकर के भट्टी करें, दोनों मिलकर के बाप के बच्चे बने, और जो रोज का क्लास है वो भी अटेंड करें। ऐसे नहीं कि शादी बर्बादी तो कर ली, एक साथी के साथ दूसरे साथी की भी बर्बादी हो गई, अब अपनी आबादी करने चल पड़े और उसको बंधन में डाल दिया, ऐसे थोड़े ही चलेगा। दोनों साथ साथ मिलकर के बट्टी करो, उसका भी उद्धार करो अपना भी उद्धार करो। अभी भी साइन किया है तो उसमें भी कुमार ही लिखा हुआ है। वो कुछ भी करते हैं उससे क्या अंतर पड़ता है, उनके लिख देने से थोड़ा ही कुछ हो जाता है।
क्या हुआ? सब मनमाना हो गए कि पक्के सूर्यवंशी बन गए? हाँ, पांडवों को प्यास लगी थी, कुछ प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए, पानी पीने से मर गए। जो महाभारत में दिखाते हैं उसका बेहद और आदमी बता। यक्ष ने परीक्षा ली पांडवों में, पक्का पांडा का बच्चा पांडव कौन है? सिर्फ ज्ञान सुनना और सुनाने से नहीं पांडव बन जाता है, जीवन में प्रैक्टिकल धारणा भी चाहिए। तो जो चार पांडव हैं वो प्रैक्टिकल धारणावान नहीं थे, और युधिष्ठिर प्रैक्टिकल धारणावान था, इसलिए यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दे सका। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये झाड़ के चित्र में भी पांच भारतीय धर्म दिखाए गए हैं। उनमें से अंतिम चार देवी देवता सनातन धर्म के पक्के नहीं हैं। जो पक्के होते हैं वो देह सहित स्वर्ग में जाते हैं, जैसे युधिष्ठिर, और बाकी कच्चे हो गए। तो नीचे उतर जाते और कान लंबी करो। हैं? किसके? हाँ, एक की? हाँ, शंकर के जो दो पुत्र हैं वो दोनों ही पुत्र है। एक स्वदेशी है और एक विदेशी है। जो स्वदेशी है गणेश, बहुत ज्ञानवान दिखाया जाता है, कान भी बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत सुनता है ज्ञान को। ज्ञान धारण भी करता है, माथा भी चौड़ा है, बुद्धिमान है, परंतु देह बहुत लंबी चौड़ी दिखाते हैं, पेट बहुत बड़ा है। कौन सा पेट? ये बुद्ध रूपी पेट देवान से भरा पड़ा है। ये बौद्ध धर्म, सन्यास धर्म और सिख धर्म की यादगार है, भारतीय धर्म है, परंतु इनकी पूजा कब से होती है? कलयुग में जाकर के पूजा होती है, सतो प्रधान पूजा नहीं है, क्योंकि आकृति ही जानवर की दिखाई गई है।
ये जानवरों की पूजा, जड़ वृक्षों की पूजा, सांप की पूजा, देवियों की पूजा, ये सब कलयुग की पूजाएं हैं, कलयुग की भक्ति है। ये देवताएं तो बनते हैं, परंतु ये 84 जन्म लेने वाले देवताएं नहीं बनते हैं। इसलिए छोटा भाई के रूप में दिखाया है। देवता और असुर हैं तो भाई भाई, एक ही कश्यप की संतान है, परंतु बड़ा भाई कौन है? असुर हैं बड़े भाई और देवताएं हैं छोटे भाई। तो असुरों का बीज रूप है कार्तिकेय, जो भी विदेशी धर्म है वो आक्रामक है, आतताई है, जैसे शास्त्रों में दिखाया है असुर आक्रमण करते थे, न शांति से रहते थे, न शांति से दूसरों को रहने देते थे। ऐसे ये आसुरी संस्कार वाली आत्माएं उन भारतीय धर्म वालों को भी कन्वर्ट कर लेती हैं। हैं तो दोनों भाई भाई, परंतु एक है बड़ा भाई और दूसरा है छोटा भाई। तो बड़े भाई में ज्यादा ताकत होती है या छोटे भाई में? बड़े भाई में ज्यादा ताकत होती है, बड़े भाई की बात छोटे भाई को माननी पड़ती है। इसलिए बौद्ध धर्म वाले सारे ही कन्वर्ट हो गए, कोई मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हुए, कोई क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हुए, माथा झुकाई दिया। कार्तिकेय को 6 मुख दिखाए जाते हैं, क्योंकि सभी विधर्मी, सभी विदेशी 6 धर्मों में बटे हुए हैं। इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, सन्यास धर्म, मुस्लिम धर्म और सिख धर्म। ये 6 धर्मों की माताएं उस कार्तिकेय की पालना करती हैं। कौन से समय की बात है? किसी संगम युग की बात है। वो इस्लाम धर्म का बीज है जो कृतिकाओं का पुत्र है, इसलिए नाम कार्तिकेय है। असुरों में सबसे बड़ा असुर है, इसलिए गुरुओं की पूजा नहीं होती है मंदिर बना करके। गणेश की तो फिर भी पूजा होती है, गणेश का टाइटल कोई और का नहीं है, ब्रह्मा की आत्मा ही गणेश का टाइटल धारण करने वाली है। जब से सतयुग शुरू होता है तो पहला पत्ता देवताओं के बीच में कौन जन्म लेता है? कृष्ण ही जन्म लेता है। गणेश और कार्तिकेय एक स्वदेशी है, स्वधर्मी है, और एक विदेशी है, विधर्मी है।
ये दो बच्चे हैं शंकर के, और दोनों ही बच्चे संन्यास धर्म को फॉलो करने वाले नहीं है। एक है प्रवृत्ति मार्ग का और दूसरा है संन्यास मार्ग का। एक विदेशियों में पूजा जाता है और दूसरा स्वदेशियों में पूजा जाता है। एक विदेशी हो जाता है, दक्षिण भारत है भारत का विदेश, और एक उत्तर भारत से लेकर के मध्य भारत तक पूजा जाता है। बाकी शिव का आना विधर्मियों में भी नहीं होता, विदेशियों में भी नहीं होता, शिव कोई जानवर में भी प्रवेश नहीं करता। शिव किस में आता है? शिव मनुष्यों के बीज में आता है, जो मनुष्यों का बाप है उसमें आता है, वो है महादेव। शिव देवता बनाने वाला है, परंतु देवताएं क्या बनाते हैं? शिव भगवान है, भगवान आकर के देवी देवता बनाता है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनाता है, तो अपने से नीचा बनाता है कि ऊंचा बनाता है? नीचा बनाता है। फिर देवी देवताएं क्या बनावेंगे? क्या बनावेंगे? असुर बनावेंगे या तो जानवरियत के स्वभाव वाला देवी देवता बनावेंगे? इसलिए सीरत को सूरत में दिखाई दिया है। इसलिए गणेश को दिखाते हैं, मां के खून से पैदा नहीं होता है, बाप के खून की पैदाइश नहीं है, काई की पैदाइश है। पार्वती जब स्नान करती है, स्थूल स्नान की बात है क्या, ज्ञान स्नान करती है, तो उस ज्ञान स्नान के टाइम जो संकल्पों का कचरा निकलता है, मैल माटी निकलता है, उस मैल माटी से गणेश का जन्म होता है। वो देवियों की पैदाइश है। पार्वती की पैदाइश है। बाकी कार्तिकेय भी खून से जन्म नहीं लेता है, किससे जन्म लेता है? पालना तो कृतिकाएं करती हैं, लेकिन तेज से जन्म लेता है, इसलिए तीखे स्वभाव का है। फिर भी बाप को फॉलो नहीं करता है। बाप है पक्का स्वदेशी, प्रवृत्ति मार्ग का पक्का, और वो पक्का विदेशी बन जाता है। दक्षिण भारत में जाकर के पूजा होती है, दोनों ही बच्चे बाप के घर में नहीं रहते हैं, अपना अलग घर बसाते हैं, अलग कुटिया बनाते हैं। तो कहेंगे फॉलो फादर, दोनों ही फॉलो फादर नहीं है।
गणेश का अलग है, गणेश लोग और कार्तिकेय तो दक्षिण भारत में अड्डा जमाता है। शैल पर्वत आज भी यादगार बना हुआ है। ऐसे ही राम के दो पुत्र दिखाए गए हैं। राम को भगवान के रूप में दिखाया है, दोनों पुत्रों के नाम हैं लव और कुश। देवताई कोटि के होंगे या उससे नीची कोटि के होंगे? है, देवताई कोटि के नहीं है। वो भी बाप से लड़ाई लड़ते हैं, जैसे गणेश भी किसकी लड़ाई दिखाई गई है, गणेश भी बाप से लड़ाई लड़ता है। ऐसे ही लव कुश की भी लड़ाई राम से दिखाई गई है। लव कहेंगे प्यार को। इस्लाम धर्म में दैहिक प्यार अति का दिखाया गया है और कुछ कहेंगे कांटे को। स्त्री पुरुष जब तलाक देते हैं तो एक दूसरे को कांटा लगता है कि नहीं लगता है? कांटा घाव पैदा कर देता है, इसलिए सबसे जास्ती तलाक की प्रथा कौन से धर्म में है? क्रिश्चियन धर्म में। वो है कुश, कुशाघात को कहते हैं कुश। एक है कांटा लगाने वाला, इसलिए नाम दे दिया है कुश। ये जंगल की पैदाइश है, द्वापर से दुनिया क्या बन जाती है? कांटों का जंगल बन जाती है। और बाबा वो आत्मा जो दक्षिण राज्य में सेवा के लिए गई, कार्तिक इधर में आत्मा, उसका सहयोग भी कौन थी? वो तो प्रवृत्ति मार्ग की है ही नहीं ना। तो बाबा ने तो बोला था कि उसकी सहयोगी शक्ति भी गई थी उसके साथ में सेवा के लिए। वो तो माता है। और ब्रह्मा के कमंडल से? हाँ जी, हाँ। पहले कहाँ से निकली? नहीं, जब कन्या होती है तो प्रवृत्ति मार्ग में पलती है। पहले पहले ईश्वरीय ज्ञान लेती है तो उसे स्मृति आती है मैं गंगा हूं। तो कहां से निकले? विष्णु के पांव से निकले, बुद्ध रूपी पांव से उसका जन्म हुआ ये कहेंगे, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग में पलने वाली कन्या है। ब्रह्मा कुमारियों में सरेंडर होकर नहीं रहती है, कहां रहती है? है, हाँ, प्रवृत्ति मार्ग में पलती है। फिर वहां से ब्रह्मा के कमंडल में वास करती है। ये भी बुद्ध रूपी कमंडल है, ब्रह्मा के मुख से जो चार वेदों का ज्ञान निकला है उस वेद ज्ञान का सात्विक ज्ञान का धारण करने वाली गंगा है। आदि में भी गंगा थी, फिर अंत में भी गंगा निकलती है, इसलिए बोली में बोला है ज्ञान गंगाएं निकलती हैं अंत में।
और अंत में जब निकलती है तो शंकर की जटाओं में निवास करती है। इसलिए तीनों जगह गंगा का वास दिखाया है, तीनों जगह की प्रैक्टिकल बात है। ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ ज्ञान सुनती है तो ब्रह्मा कुमारी है, शंकर की जटाओं में वास करती है तो शंकर को गंगाधर कहा जाता है, अर्थात गंगा का धरोना कर लिया। नहीं तो गंगा को बड़ा अभिमान था, जैसे और ब्रह्मा कुमारियों को अभिमान होता है ऐसे गंगा भी बड़ी देह अभिमानी होती है। ब्रह्मा के कमंडल से जब नीचे उतरती है तो बड़े जोर शोर से आती है, पर शंकर की जटाओं में उलझ जाती है तो सारा अभिमान चूर चूर हो जाता है। इसलिए गंगाधर कहा जाता है। और बाबा बालाजी का देह में क्या अर्थ है? बाला माने बच्चा, कृष्ण को किस रूप में पूजा होती है? बच्चे के रूप में पूजा होती है, तो नाम रखा हुआ है बालाजी। और आप मुझे भी बोला है द्वापर में नहीं, जब कलयुग का आदि होता है आज से 1200-1300 वर्ष पूर्व मोहम्मद बिन कासिम का पहला आक्रमण हुआ, ये मुसलमानों में पहला आक्रमण है। उसके बाद फिर आक्रमणों की जड़ी लग गई। हाँ तो अभी एडवांस पार्टी के ऊपर आक्रमण नहीं होते रहते हैं द्वापर युग के आदि से, वो अंत से। द्वापर के अंत की शूटिंग का टाइम कौन सा है? रुद्रमाला में है 98-99, तो आक्रमण नहीं हुआ? हुआ। और बाबा साक्षात्कार के पुराने चित्रों में देवियों को डुबाते हुए चित्र नहीं दिखाया है? देवियों को डुबाता हुआ नहीं दिखाया साक्षात्कार के पुराने सीढ़ी के चित्र में? साक्षात्कार के पुराने सीढ़ी के चित्र में देवियों को डुबाता हुआ नहीं दिखाया, गणेश की मूर्ति दिखाई। नहीं, बाबा ने तो मुरलियों में बोला है। मुरलियों में तो बोला है तो उसको करेक्शन कर लेना चाहिए। बाकी इसमें दिया मुरली के बाद में जो चित्र बनाया उसमें देवियों को डुबाता हुआ दिखाया। पुराना जो सीढ़ी का चित्र है अगर उसमें कोई खामी है तो उसको काहे से सुधारना है? मुरली से सुधारना है। हाँ। और सनातन का क्या है? सनातन देव जैसा है। सनातन माने पुराना, सनत से बनता है सनातन, सनत की औलाद है सनातन धर्म। सनत कुमार है ब्रह्मा के छोटे पुत्र का नाम, जो मानसी सृष्टि का पहला चरण है। उसमें चार पुत्रों की पैदाइश दिखाते हैं, उनमें चौथा नाम है सनत कुमार। सबसे छोटा होता हुआ भी
लास्ट में आता है और फास्ट जाता है, उसके द्वारा होती है सनातन धर्म की स्थापना। सारा ज्ञान प्रैक्टिकल है, शास्त्रों से भी टैली होता है। आगे चल के शास्त्रों की ढेर बातें टैली होने लगेंगी। और रात में हाथ पैर सुन के आ सकते हैं एक बात पूछी जा रही, उसके बाद पूरा प्रश्न किया जा रहा है, क्लास में हाफ शर्ट पहन के हाफ पैंट पहन के आ सकते हैं कि नहीं? दिली इच्छा हो रही है कि माताएं तो पेट और पीठ नंगी करती है, तो हम भी क्यों ना नंगा करके दिखाएं? लेकिन बाबा क्या कहते हैं, दुनिया में देहभान बढ़ रहा है या घट रहा है? तो देहभान जो है उसको और बढ़ाना है या घटाना है? घटाना चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे देह का आकर्षण बढ़ता रहे। और ये आगे वाली माता ने नहीं सुन पाया, हमारा तो एक कान बहरा हो गया। और जोर से बोलो, काशी का जन्म कार्तिकेय का जन्म जन्म नहीं हुआ, छह कन्याओं से पालना हुई है। पालना करने वाली भी माता कही जाती है और जन्म देने वाली भी माता कही जाती है। तो कार्तिकेय ने पांच छह कृतिकाओं से जन्म नहीं लिया, उनसे पालना ली थी, इसलिए उनका नाम कार्तिकेय पड़ा। और हाँ, उसका मतलब यही है कि शिव बाबा जब आते हैं, कब आए शिव बाबा बच्चों के सामने, कब प्रत्यक्ष हुए? 76 में। जब 76 में आते हैं तो जो भी चावल हैं जिनका देह अभिमान का छिलका बेसिकली उतर जाता है, जो मुरली में बोला है, तुम बच्चों की आत्मा रूपी सुई की कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखते हो। तो सन 76 से डायरेक्ट बाप जब आता है तो आत्मा रूपी सुई कहो जिसकी जंग उतरी हुई हो बेसिकली, अथवा देवान का छिलका उतरा हुआ कहो, ऐसी आत्माओं का जखीरा बनना शुरू होता है जिसे एडवांस पार्टी कहा जाता है। और जैसे ही वो जखीरा बनना शुरू होता है वैसे ही उनको चार हिस्सों में डिवाइड करने के लिए ब्रह्मा के चार मुख्य पुत्र जो चार धर्मों के बीज हैं वो प्रत्यक्ष हो जाते हैं, और चारों के ब्राह्मणों की दुनिया में फॉलोअर्स भी तैयार होते हैं। तो कितने भागों में बट गए? चार भागों में बट गए। वो यादगार दिखाई हुई है भक्ति मार्ग में, जगन्नाथ के मंदिर में
कि जब चावलों का हंडा पकाया तो चार भाग हो जाते हैं ऑटोमेटिक। यहां की यादगार है। और बाबा कृष्ण को अष्टावक्र कहा गया, साथ में राधा भी तो टेढ़ी अंगों से कटी है, उसको क्यों नहीं? कृष्ण को अष्टावक्र नहीं कहा गया शास्त्रों में, कृष्ण का पार्ट अलग दिखाया है और अष्टावक्र नाम अलग है। ये तो हम समझते हैं कि अष्टावक्र और कोई दूसरा नहीं है, ये तो आठ धर्मों से आई हुई आठ पटरानियां हैं, जिनके स्वभाव संस्कार का असर, संग का रंग कृष्ण को ऐसा लगता है कि उसे पूरा काला बना देता है, आठ जगह से तोड़ देता है। बाकी आठ पटरानियां तोड़ने वाली है हड्ड गुड्ड, राधा तोड़ने वाली नहीं है, राधा तो जोड़ने वाली है। और बाबा ब्रह्मा मुख से जो वाणी चली शुरू शुरू में, वो उस वाणी को मुरली कहा है और उसको ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे ऐसा बोला, लेकिन बाद में जो उसका क्लियरिफिकेशन होता है उसको ज्ञान अमृत कहा है। तो जो शुरू शुरू में वाणी चली उस वाणी से एक वाणी कहीं कटती नहीं है, आज क्लियरिफिकेशन का जो भी चलता है ये कहीं भी कटता नहीं है बल्कि उसके सपोर्ट में चलता है, तो उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो गुह्य राज उस कविता को कहो, गीता रूपी गीत कहो, उस गीत को गाने वालों ने नहीं रहस्य क्लियर कर पाया। वो रहस्य उस गीता का क्लैरिफिकेशन करने वाला टीचर क्लियर कर देता है। वो बाप का टीचर का रूप नहीं था, वो माँ की लोरी थी। लोरी छोटे छोटे बच्चों के सामने गाई जाती है, वो छोटे छोटे बच्चे थे हम, वो छोटे छोटे बच्चे उस लोरी के गुह्यार्थ को नहीं समझ सकते थे क्योंकि समझाने वाला ही नहीं था और हमारी बुद्धि भी बच्चा बुद्धि थी। बाद में ज्योतिबिंदु को याद करते करते, अपनी आत्मा के स्वरूप को याद करते करते हमारी बुद्धि सूक्ष्म बनी, हम सगीर हुए और बाप भी आ गया टीचर के रूप में। तो बाप आकर के टीचर के रूप में व्याख्या देते हैं, उसी गीता रूपी गीत की कहो, कविता की कहो, पोएट्री की कहो। बाबा आज इस ज्ञान का पूरा आधार जो है वो मुरली ही है, ठीक है, जो ब्रह्मा की मुख से चली। हाँ? इस ज्ञान में जो कुछ भी आज घट रहा है या आज हमारे सामने जो प्रत्यक्ष में दिखाई पड़ रहा है, सारे का आधार वही मुरली ही है, ठीक है। और उस मुरली ने आज हम ब्राह्मण बच्चों के सामने जो कुछ भी प्रैक्टिकल में जो दिखाया है, बताया है बाप के क्लेरिफिकेशन के रूप में, ये दोनों में उसका आधार तो आज हमको बहुत जरूरी है ना बाबा। हाँ, तो आधार कहाँ छोड़ दिया है? जो आधार हमने आज पकड़ा हुआ है। हाँ, आज के जो ज्ञान के उस आधार जो पकड़ा हुआ है उसमें अंतर भी बता दिया। एक होते हैं कच्छ मच्छ अवतार, वो ज्ञान का आधार लेते हैं, और एक होते हैं ज्ञान दाता का आधार लेने वाले। जो कच्छ मच्छ अवतार होते हैं, जानवरीय के अवतार होते हैं, उनकी दृष्टि रहती है ज्ञान के ऊपर,
और जो रामकृष्ण के अवतार अथवा उनके फॉलोअर्स हैं, उनकी दृष्टि काय के ऊपर रहती है? ज्ञान दाता के ऊपर रहती है, उनकी दृष्टि ज्ञान के ऊपर नहीं रहती। ज्ञान पतित पावन नहीं है, मुरली पतित पावन नहीं है, बाप ही पतित पावन है। ये खास अंतर है। और तो पुरुष दुर्योधन दुशासन नहीं है, कन्यामातों के ग्रुप में पुरुषों को दिखाया। तो विजयमाला में कोई पुरुष शरीर नहीं है? है तो पुरुष शरीर, लेकिन अंडर दी कंट्रोल किसके रहते हैं? साकार में। बाबा ने तो डायरेक्शन मुरली में दे दिया, सारे डायरेक्शन कन्या माताओं के द्वारा निकलने चाहिए, लेकिन जो असुर हैं वो कन्या माताओं की सुप्रीमेसी को नहीं मानते, अपनी बुद्धि चलाएंगे। जो मानते हैं वो विजयमाला के दाने हैं, भले पुरुष हैं। और विक्रम संवत, हाँ परेश, हाँ शालिवाहन शके है, शालिवाहन शक्ति, शालिवाहन, हाँ शक कब से शुरू हुआ? शक संबत, सारे ही संबत, जितने भी धर्मों के हैं, जितने भी मठ संप्रदाय हैं, उन सब के संबत 2500 वर्ष के अंदर ही शुरू होते हैं। शकों का राज्य चला, हूणों का राज्य चला, इनकी हिस्ट्री है, ये सब द्वापर युग की हिस्ट्री है, त्रेता और सतयुग की कोई हिस्ट्री नहीं है। द्वापर जब से द्वैतवादी युग शुरू होता है, दुख की दुनिया शुरू होती है, तब से आदमी दिन गिनना शुरू करता है। ये दिन गिनने की शुरुआत, महीना गिनने की शुरुआत, वर्ष गिनने की शुरुआत, ये होती है दुख की दुनिया में। तो जितने भी धर्म और आए हुए हैं, वो सारे ही धर्मों के जो भी संबत हैं, चाहे ईसवी संबत हो, शक संबत हो, हूण संबत हो, विक्रम संबत हो, हिजरी संबत हो, वो सारे ही द्वापर युग से शुरू हुए। हूण और शकों का राज्य चला है ना द्वापर के आदि में, इनकी हिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है। जन्नत जैसे सर्प का आठ सत्य में सामान सामान गया, जन्नत का कैसे उसमें सर्प का? तो मुसलमानों से पूछो, मुसलमानी भाषा है या हिंदुओं की भाषा है? है जन्नत शब्द तो मुसलमानी भाषा है, दोजख और जन्नत। कोई इस्लामी हुए होंगे? भारत पे सबसे पहले आक्रमण
हूणों का हिसाब बता दें। आक्रमण हूणों का नहीं हुआ है, वो यहाँ के यहीं थे। आक्रमण हुआ है मुसलमानों का, मुसलमान लोग भी होते हैं, वो आक्रामक बनते हैं। भारत में धन दान संपन्न होता है, जहां से वो आते हैं वो रेगिस्तानी प्रदेश है, वहां कुछ भी पैदाइश नहीं होती है, मालमता कुछ भी है नहीं, और पैदाइश करते हैं सबसे ज्यादा। काम विकार बहुत बड़ा हुआ, तो जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, उनको खाने पीने को कुछ मिलता नहीं है, तो नजर कहां जाती है? भारत के ऊपर नजर जाती है। तो चोर उचक्के बनकर के भारत के ऊपर आक्रमण करते हैं, डकैत बनकर के। अरे डकैत ताकतवर नहीं होते हैं? डकैत आके कोई के घर में डकैती डाले, मारकाट मचा दे, तो ताकतवर नहीं हुआ है? भारतीयों की अपेक्षा ताकतवर ज्यादा होते हैं। अगर ताकतवर ज्यादा होते तो फिर भारत के ऊपर विजय प्राप्त करके चले जाते, विजय कर प्राप्त कर पाई, उल्टा मुंह लेकर के लौट गए। वो शासन रहा है तो इसलिए रहा है कि भारतवासी राजाओं ने भी बहुत पाप किए हैं। हा, इस्लामियों को यहां से किसने खदेड़ा? खदेड़ करके अरब देशों की तरफ किसने भगाया? भारतवासियों ने भगाया। है ये भारतवासियों की उदारता है, ये मातृवात्सल्य है, ये माता का देश है, कोई बच्चे को गोद से अलग नहीं करती है। जो भी विदेशी आए सबको माता के पेट गोद में जगह मिली। वो तो विदेशी हैं, जो विदेशियों को भारतवासियों को धक्का देकर के निकालते रहते हैं, खुद पसीना नहीं बहाना चाहते, पसीने की कमाई नहीं खाना चाहते, काम धाम कुछ करना नहीं चाहते, देखते हैं कि ये भारतवासी यहां आकर के बहुत कमाई करने लग पड़े हैं, तो उनको भगाते रहते हैं। प्रैक्टिकल प्रूफ और भी बाबा ये है, विदेशों में तो वीजा लेके जब जाते हैं विदेशों में है, उनका वीजा खत्म होता है तो फॉरेन साइड उनको घर पे आके लेके जाती है जी। भारत में वीजा खत्म हो जाती फिर भी लोग रहते हैं और उनको कोई पूछते नहीं कितने। हाँ जी, यहाँ तो शरणागति वत्सल गाया हुआ है, भगवान बाप जो शरण में आते हैं उनको शरण दी जाती है, उनकी सुरक्षा की जाती है। और बाबा भक्ति मार्ग में मन्नत मांगते हैं, उसका संगम इसमें कुछ छुट्टी होती है? भगत मांगते हैं या ज्ञानी मांगते हैं? तो यहाँ मांगने वाले भगत नहीं है, बाबा ने तो बता दिया कि मैं आता हूँ 21 जन्म भविष्य की प्राप्ति कराने के लिए, वर्तमान जन्म की कोई भी प्राप्ति मेरे से नहीं होती है, वर्तमान जन्म में जो भी प्राप्ति होती है तुम्हारे पूर्व जन्मों के आधार पर होती है। फिर भी मांगते रहते हैं, तो ऐसे मांगने वाले मन्नत मांगने वालों की ही शूटिंग करते हैं। अफगानिस्तान में हिंदू कुश नाम का पर्वत है, अफगानिस्तान में हिंदू कुश नाम का पर्वत है। हाँ जी, तो नए भारत की सीमा ऐसा बात फैली हुई होगी है? बात हाँ फैली हुई होगी क्या? हाँ, ये अफगानिस्तान पाकिस्तान सभी तो हिंदुस्तान के अंदर थे। और
हम कैसे आपको देखते क्या हम शंकर को देखते तो आप शिव को कैसे देखते हम शंकर को देखते बाबा ने कब कहा शंकर को देखो आप तो गलत काम करते हैं शंकर को नहीं देखना माथा मुड़ लेगा अपनी आत्मा में अपने स्वरूप को देखना आसान है या दूसरे के शरीर में देखना आसान है तो जो आसान है उसमें तो कैसे का सवाल भी नहीं पैदा होता स्वतः ही याद आता है आत्मा को याद करना सहज है यह परमपिता परमात्मा को याद करना सहज है अपनी आत्मा को याद करना तो और सहज है और मुसलमान लोग पांच बार नमाज क्यों पढ़ते हैं? हाँ क्योंकि कुमारका दादी ने डायरेक्शन निकाला था पांच बार दिन में याद करो खास बैठ करके हाँ कम से कम पांच बार ट्रैफिक कंट्रोल करो तो शूटिंग हो गई मुसलमानों की है बाप डायरेक्शन देते हैं कि पांच बार याद करो बाप तो कहते हैं निरंतर याद करो हाँ याद करो ये बाप का डायरेक्शन है हैं? अरे जो बेधर्मी होंगे वो बेधर्मियों का डायरेक्शन देंगे या स्वधर्मी बाप का डायरेक्शन देंगे जो दूसरा धर्म फैलाने वाले होंगे वो अपनी मनमत चलाएंगे या नहीं चलाएंगे चलाएंगे और रावण तो भक्ति मार्ग है रावण तो भक्ति मार्ग है और राम तो ज्ञान मार्ग है बोलो 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 है ऐसा इसलिए है कि बहुतों के पीछे भागते हैं तो भक्ति मार्ग कहा जाता है मंदिर में भागे तीर्थों में भागे गुरुओं के पास भागे गिरजाघर में भागे मस्जिद में भागे कहीं किसी जन्म में किसके पीछे भागे तो भागते भागते भक्ति मार्ग और राम को है एक सिर रावण को है अनेक सिर तो वो अनेक मतें चलाता है कोई कहता है मस्जिद स्थापन करो दूसरा सिर कहता है नहीं मंदिर स्थापन करो तीसरा सिर कहता है नहीं गणेश का मंदिर बनाओ वो ही भगवान है चौथा सिर कहता है नहीं गिरजाघर बनो तो ये दस सिर हैं ये दसों सिर अपनी मनमत निकाल करके भगाते रहते हैं बुद्धियों को मनुष्यों की बुद्धियों को इसलिए रावण से बनता है भक्ति मार्ग और राम को है एक सिर वो एक ही बात बताता है इसलिए वो है ज्ञान मार्ग इसलिए बोला है ज्ञान एक से आता है और भक्ति रावण के अनेक सिरों से आती है और जब रावण शिवलिंग अपने राज्य में ले जाते हैं तब गणेश को हिसाब जाना पड़ता है तो है गणेश रावण अपने राज्य में शिवलिंग ले जाते हैं तब गणेश के हाथ में से ले लेता है उसका है गणेश हाथ में ले लेता है हाँ हाथ में ले लेता है कि वो दे देता है वो ले लेता है कि दे देता है दे देता है आपने ध्यान से देखा नहीं टीवी को भी ध्यान से देखा करो और है बौद्धिक अंधकार में एक देश है जो कंबोडिया बोलते हैं देवता का है बौद्धि भी पहले प्रवृत्ति मार्ग के थे बाद में जब बौद्ध विहार बनने लगे तो
तो बौद्ध विहार में स्त्री पुरुष इकट्ठे रहने लगे, तभी से विचार शुरू हो गया और बौद्धियों का प्रवृत्ति मार्ग खलास हो गया। जहां देखो वहां सन्यासी ही सन्यासी दिखाई पड़ते हैं। इसलिए कंबोडिया देश में जो बौद्धियों का धर्मखंड है, वहां विष्णु का बड़ा मंदिर, प्राचीन मंदिर कोई होगा, और बाबा माँ का दही आपको बताओ है, माँ का सही अर्थ बताओ। कुमार, कुमार, कु माने खराब और मार माने मार पड़े, जिसके ऊपर बुरी मार पड़े उसको कहते हैं कुमार। इसलिए एक कहावत बनाई दी है, कुमारों की एक चिंता और गृहस्थियों की 999 चिंताएं, दोनों को एक पलड़े में रखो बड़ा, तो कुमारों की एक चिंता भारी पड़ जाएगा, पलड़ा नीचे बैठ जाएगा, और गृहस्थियों की 999 चिंताएं ऊपर उठ जाएंगी। इसलिए बेचारे बुरे मारे गए। और है, है? वो इसलिए दिखाते हैं कि कार्तिकेय का जब राज्य आता है द्वापर युग से, तो जो मोर के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा है, जो मोर का पंख भारतवर्ष में कृष्ण के मुकुट में लगाया जाता है, और मोर पक्षी भारत का नेशनल बर्ड माना जाता है, द्वापर युग जैसे ही शुरू होता है वो उसको दबोच लेता है, इसको मोर को, तो सवारी हो गई। इसलिए मोर की सवारी किसके ऊपर दिखाते हैं, मोर के ऊपर सवारी कार्तिकेय की दिखाते हैं। और बाबा कार्तिकेय स्त्री का मुंह नहीं देखते हैं ना, हाँ हाँ, सन्यासी आंखें बंद करके याद करते हैं कि खोल करके हैं, बंद करके क्यों करते हैं, हैं क्योंकि कहीं स्त्री दिखाई पड़ जाए तो अपनी इंद्रियों को रोक नहीं सकेंगे। इसलिए उन्होंने नियम ये भी बनाए दिया कि स्त्री का मुख ही नहीं देखना है, स्त्री सर्पिणी है, सर्पिणी को अगर याद भी किया, अगर उसका मुख भी देख लिया तो भी इतना अतीव आकर्षण पैदा हो जाएगा कि अपने को रोक नहीं सकेंगे, पतन के गर्त में चले जाएंगे। इसलिए नियम बनाए दिया, स्त्री का मुंह नहीं देखना है। और कौन महाकाली किसको याद करती, महाकाली देह अभिमान में आला है या आत्मा अभिमान में आला है? तो जो देह अभिमान में आला होगा उसको भगवान याद आएगा, वो भगवान को पहचानेगा कि अपने हाथ में ला उठाएगा,
ला अपने हाथ में उठाना चाहिए क्या है? अरे ला अपने हाथ में उठाना चाहिए नहीं? तो महाकाली भगवान के साकार रूप को नहीं पहचान पाती, इसलिए ला अपने हाथ में उठा लेती है। इन असुरों का संहार मैं ही करूंगी है। हाँ हाँ, तो देवान को याद कर रही है या बिंदु को याद कर रही है? शंकर देह अभिमानी देह है या बिंदु है? वो तो देह है, उसमें तो ब्रह्मा भी मिक्स है। ब्रह्मा को देह अभिमानी दिखाया जाता है, ब्रह्मा की आत्मा भी उसमें प्रवेश है। वो भगवान का रूप नहीं है। शंकर तो ऐसे है जैसे सब, उसमें से अगर बिंदु को निकाल दिया जाए, निराकार को अलग कर दिया जाए, बाकी महाकाली में तीसरा नेत्र भी दिखाया जाता है, वो ज्ञान का नेत्र है। वो ज्ञान का नेत्र इस बात को साबित करता है कि ज्ञान एड़ी से लेकर चोटी तक भरा हुआ है, प्रैक्टिकल धारणा में नहीं है। नहीं तो बाबा नहीं सिखाते हिंसा करना। बाबा ने हिंसा करना सिखाया है? नहीं, बाबा तो आकर के अहिंसक राज्य की स्थापना करते हैं। और हाँ, बच्चे को भी दांत नहीं होते हैं, बूढ़े को भी दांत नहीं होते हैं। हाँ, बच्चा बूढ़ा एक समान किसके लिए है? जो आत्मिक स्थिति वाले हैं उनके लिए है कि देहभान वाले हैं उनके लिए? जो देहभान वाले होंगे वो बूढ़े से नफरत करेंगे और बच्चे के सलोने रूप को प्यार करेंगे। जो आत्माभिमानी होंगे, ज्ञानी होंगे, वो समझेंगे कि ये बूढ़ा का अगर हम सेवा करेंगे तो हमारा बहुत भाग्य बनेगा। हम भी 63 जन्म में बुढ़े बने हैं, तो दूर की सोचने वाली होती है आत्माभिमानी आत्माएं। वो तो अज्ञानियों का काम है। बररे बालक एक स्वभाव, ऐसे देखना। और दो हजार अठारह तक संगम युगी कृष्ण प्रत्यक्ष होगा है। अठारह अंक का बड़ा महत्व है। तो ये जो 18 वर्ष हैं, 18 के बाद वाले, वो बुद्धि से समझने योग्य कृष्ण को आंखों से देखने योग्य बना देते हैं, लेकिन उसको वही आंखें देख पाएंगी जिनकी अपनी आंखें दिव्य बन चुकी हों, अर्थात देवता बन चुके हों। जो ऊपर से उतरने वाली आत्माएं हैं,
वो दो प्रकार की होंगी, एक बच्चे के रूप में जन्म लेने वाली और दूसरी बच्चे के रूप में जन्म नहीं लेंगी लेकिन बच्चा बुद्धि बन जाएंगी, पहले का सारा ज्ञान भूल जाएंगी। वो उन बच्चों को जन्म देने वाली होंगी, वो भी दिव्य नेत्र वाली होंगी, उनसे पैदा होने वाले बच्चे भी दिव्य नेत्र वाले होंगे, बाकी दुनियावी आत्माएं उन बच्चों को नहीं देख सकेंगी। सावित्री व्रत रखते हैं, हाँ, और काले कपड़े पहनते हैं। अय्यप्पा स्वामी ऐसे हैं जैसे धर्मराज और धर्मराज के दूत। कैसे कपड़े पहनते हैं? काले कपड़े पहनते हैं। वो बापों का बाप जब धर्मराज बनता है और पिटाई करता है तो सबके मुख से, पिटाई पिटने वालों के मुख से निकलता है अय्यप्पा अय्यप्पा, तो वो अय्यप्पा नाम प्रसिद्ध हो गया। वो 40 चोर प्रसिद्ध हैं, अली बाबा और 40 चोर। सुख और शांति का आधार है आत्मिक स्थिति। अभी नहीं, यही नहीं ज्ञान भाई। और Thank you.